Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। सर बैठक बुलाई गई थी आज विधायकों के साथ, क्या कुछ बात, क्या बात है, क्या मकसद आज की समीक्षा हुई, आगे की रणनीतियों पे चर्चा हुई, क्या कुछ हुआ जी? लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली दिल्ली के सभी विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें हमने जो चुनाव लड़ा उसको लेकर के हमने चर्चा की है और सभी जगह से जो रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद बंधी है कि दिल्ली के अधिकारों को जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार हमले बोल रही थी, जिस तरह से चुनी हुई सरकार के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने पलट दिया, दिल्ली के लोगों का अधिकार छीन लिया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सभी लोगों को यह भरोसा दिख रहा है कि जनता का जो जनादेश है उसमें केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और दिल्ली के अधिकारों का जो हड़प नीति है उसे बदलेगी। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो निराशा उभरी थी पूरे पार्टी के अंदर, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने एकजुट होकर के जिस तरह से मुकाबला किया, चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। अभी हमने ये तय किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं तो हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा। एक फैसला हमने जो अहम किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से दिल्ली में भी और पूरे देश में आचार संहिता लागू थी, उसकी वजह से पिछले 2 महीने से दिल्ली में डेवलपमेंट काम ठप थे। आज ये निर्णय हुआ है कि सभी विधायक सैटरडे और संडे में अपने अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जितने विकास कार्य हैं उनको जो है तेज किया जाएगा। सभी विधायक जनता के बीच में रहेंगे और तेजी के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 13 जून को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का बैठक करने का आज विधायकों के साथ निर्णय हुआ है, तो जैसे आज हमने विधायकों के साथ बैठक की है, परसों सभी पार्षदों की मीटिंग हम कर रहे हैं और 13 जून को प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पूरी दिल्ली मिलकर के जिस तरह से इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को